मुहर्रम के महीने की तारीखी हैसियत जो भी मैं बयान कर रहा हूं, इसकी वजह से मुहर्रम के महीने की कोई अजमत नहीं। मुहर्रम के महीने की अजमत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। मुहर्रम के महीने में किसी हादसे और वाकये के होने की वजह से इसकी अहमियत नहीं, इसलिए कि हादसात वाकयात होते रहते, हादसात और वाकयात के होने की वजह से अहमियत नहीं होती। अहमियत कब होती है? जब उस वाकये पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर लगा दे। जैसे रमजान में कुरान नाजिल हुआ, अब मुहर लगाया अल्लाह ने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो रमजान की फजीलत हो गई, रमजान का मकाम बढ़ गया। तो ऐसे ही तारीखी हैसियत क्या है? नंबर एक, ये वो महीना है और इस महीने की 10 तारीख वो तारीख है जिस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम को फिरौन से नजात दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके आए, तो आपने मदीने में देखा कि यहूदी रोजा रखते हैं। अच्छा, मदीने में यहूदी कितने थे उस वक्त? मदीने में यहूदी कितने थे? यहूदियों के 3 कबीले उस वक्त थे मदीने में। और आपको बताऊं, मदीने की पूरी मार्केट पर यहूदियों का कब्जा था, पूरी मार्केट। और थोड़ी देर पहले मैंने जिस जंग का तذکرہ किया, कौन सी जंग? औस और खजरज के दरमियान जंगे बुआस, बुआस बाइन अलिफ सा, औस और खजरज के दरमियान जो जंग हुई, इस जंग में सारा असलहा, हथियार, तलवार, नेजे, सारा सप्लाई किसने किया? यहूदियों। सूद पर माल देते थे और पूरी मार्केट पर कब्जा जमा रखा था इन लोगों। लेकिन आशूरा का, 10 मुहर्रम का रोजा रखना ये नहीं भूलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देखा यहूदी रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम। आपने वजह पता करवाई कि भाई पूछो इनसे कि ये लोग रोजा क्यों रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दिया था। फसामहु मूसा शुक्रन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र के तौर पर इस दिन रोजा रखा। अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जब वजह आपने जान लिया तो आपने क्या फरमाया? नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम। भाई अगर तुम रोजा रख रहे हो तो तुम्हारे मुकाबले में हम तो मूसा अलैहि सलाम के ज्यादा हकदार हैं कि हम शुक्र के तौर पर रोजा रखें, इसलिए कि वो हमारे क्या हैं? हमारे भाई हैं, हमारे भाई नबी, वो भी नबी, ये भी नबी, वो हमारे भाई हैं, तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। फसामहु व अमरा बिसियामिही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोजा रखा और मुसलमानों को रोजा रखने का हुक्म दिया। इसी को अल्लाह ने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 और 7 में जिक्र किया। आप बार बार ये आयत सुनते ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो और दूंगा और अगर ना शुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इससे पहले वाली आयत कभी पढ़े आपने? ये अल्लाह ने शुक्रिया की बात अचानक बीच आयत में क्यों कर दी? इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की नजात का तज़किरा किया है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इसराइल को फिरौन से नजात दिया था। फिर फौरन बाद उसके आयत में क्या कहा? वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया अगर शुक्र अदा करोगे तो और मिलेगा। यानी अल्लाह के रास्ते पर चलोगे, नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नेमतों की बौछार कर देगा और तुम्हारे लिए नेमतों के दरवाजे खोल देगा। तो शुक्र के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखा, सहाबा को हुक्म दिया। और आपने क्या कहा? अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा लअसूमन्नत तासे, तो मैं 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा, इसलिए कि हमें यहूदियों की मुखालफत करनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही है, हमें 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखना है। तो ये एक तारीखी हैसियत है कि 10 मुहर्रम को अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दिया। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।